लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास, पक्ष में पड़े 214 वोट्स, विरोध में एक भी वोट नहीं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद संसद का विशेष सत्र एक दिन पहले ही खत्म, राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में पास होने के बाद महिला सांसदों से मिले प्रधानमंत्री, संसद भवन के बाहर उनका भव्य स्वागत हुआ। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी के बाद 140 करोड़ भारतीयों को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण। पीएम मोदी ने सभी सांसदों के समर्थन पर जाहिर की खुशी, कहा महिला सशक्तिकरण के युग की शुरुआत। सदन में महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज पीएम मोदी का स्वागत करेंगे महिला सांसद और कार्यकर्ता, बीजेपी दफ्तर में सुबह 9 बजे विशेष कार्यक्रम। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी के बाद महिला सांसदों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाती नजर आई, बधाई देती दिखी महिलाएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, कहा विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा अधिनियम। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पीएम मोदी ने अपने संकल्प को पूरा कर दिया। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर तंज, कहा जो 30 सालों से कोई नहीं कर पाया उसे पीएम मोदी ने करके दिखाया। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले इस बिल का पास होना अपने आप में गौरव करने वाला क्षण। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा पीएम मोदी की वजह से हो पाया संभव, ये बनेगा इतिहास। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा आज पीएम मोदी ने रखी महिला सशक्तिकरण की असली नींव। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा यह ऐतिहासिक फैसला, पूरा संसद सत्र रहा ऐतिहासिक। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कहा बिना मातृशक्ति के देश का विकास अधूरा सा है, अब होगा पूरा विकास देश का। महिला आरक्षण विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, कहा बिल में ओबीसी आरक्षण को किया जाए शामिल, तुरंत लागू हो विधेयक। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जाहिर की अपनी खुशी, कहा कि यह बिल पर अब देश का कानून, हम सब पीएम मोदी के योगदान को हमेशा याद रखेंगे। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी को मालिनी अवस्थी ने दी बधाई, कहा भारत ने दुनिया के सामने नजीर पेश की है। फिल्मी हस्तियों ने भी देखी संसद की कार्रवाई, तमन्ना भाटिया, दिव्या दत्ता ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी खुशी को जाहिर किया। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडू ने फिर दोहराया आरोप, कहा सही दिशा में जांच होना जरूरी। भारत पर आरोपों के बाद दुनिया में अकेले से पड़ गए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडू, बोले आरोपों को गंभीरता से ले भारत की सरकार। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडू ने कहा पीएम मोदी से इस मुद्दे पर हुई थी बात, जताई चिंता। दुनिया में भारत की बढ़ती साख पर बोले ट्रूडू, कहा भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है, भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे। दुनिया से समर्थन न मिलने पर बोले जस्टिन ट्रूडू, कहा हम अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम, हर हाल में अपने नागरिकों की करेंगे रक्षा। भारत पर आरोप लगाकर पत्रकारों के सवाल से बचे नजर आए हैं कनाडा के पीएम, सबूत देने वाले सवाल पर ट्रूडू ने नहीं दिया जवाब। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडू के झूठ पर भारत का करारा पलटवार, विदेश मंत्रालय ने कहा खालिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है, पाकिस्तान से की जा रही आतंकियों की फंडिंग। ट्रूडू के आरोपों पर एमईए का बयान, कहा कनाडा के आरोप राजनीति से प्रेरित है, अब तक नहीं दिए कोई सबूत। भारतीयों को कनाडा में खतरा, विदेश मंत्रालय ने कहा मौजूदा हाल में कामकाज मुश्किल, भारत विरोधी गतिविधियों पर एक्शन ले कनाडा। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित, विदेश मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी, सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा फैसला लिया गया। कनाडा में भारतीय दूतावास को खतरा, कनाडाई उच्चायोग के कर्मचारियों को किया जाएगा कम। कनाडा से जारी विवाद के बीच अमित शाह से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अब तक उठाए गए हर कदम की दी जानकारी, संसद भवन में हुई मुलाकात। भारत कनाडा राजनयिक गतिरोध पर अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन का बयान, कहा कनाडाई समकक्षों और भारतीय सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। ट्रूडो के आरोपों पर अमेरिका ने बताया चिंताजनक, इसको विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलाउड ने कहा हिंसा का सहारा लेना गलत है।
आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा, क्वाड में दरार डालने के लिए कनाडा में खालिस्तानियों की मदद कर रहा पाकिस्तान। G20 सम्मेलन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ आज डिनर करेंगे पीएम मोदी, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। शाम 6 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे पीएम मोदी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत 25 टॉप ऑफिसर और 250 दूसरे रैंक के दिल्ली पुलिसकर्मी होंगे शामिल। प्लेनरी हॉल में पुलिसकर्मियों से मिलेंगे पीएम मोदी, डिनर पार्टी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, बोले अब भारत एक कमजोर होता लोकतंत्र है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा आरएसएस को भारतीय संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा INDIA का गठबंधन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग, 4 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में, कल सुबह 8 बजे से मतगणना। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर जो गहलोत सरकार है उस पर बरसे असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा, बोले इतनी बड़ी घटना पर गहलोत ने ठंडी प्रतिक्रिया रही, असम होता तो 5 मिनट में मिलता जवाब। तेलुगु फिल्म रजाकार के ट्रेलर से सियासी उबाल, ओवैसी बोले सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनती है ऐसी फिल्में। KCR की बेटी के कविता ने तेलुगु फिल्म रजाकार को खारिज करने का आह्वान किया, कहा कि शांति की रक्षा तो होनी ही चाहिए। प्रदूषण की वजह से पटाखों पर बैन की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज आएगा फैसला, दिल्ली सहित कई राज्यों में पटाखों पर है बैन। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में आज राउत जवेरी कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की चार्जशीट पे लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी आरोपी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरी इंफाल घाटी में लगा कर्फ्यू। भगवान राम से जुड़े स्थानों को दी जाएगी पहचान, 290 स्थानों पर लगेगा श्री राम स्तंभ। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज चार पहिया वाहन पर रहेगी रोक, शहर में मनाया जाएगा नो कार डे। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक तेज बरसात की संभावना, कई जिलों में आकाश में बिजली गिरने की चेतावनी तो कई जिलों में गिर सकते हैं ओले। असम के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार से 355 किलो चांदी जब्त, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई कीमत, इसके 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भाग कर बचाई जान, करोड़ों का सामान जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के फरीदाबाद में डंपर में अचानक से आग लग गई, चालक ने कूदकर अपनी जान को बचाया। बिहार की मधुबनी में उज्बेकिस्तान की महिला नागरिक गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत से नेपाल जा रही थी महिला, सुरक्षा बलों ने पकड़ा। यूपी के श्रावस्ती में 102 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मौके से शराब बनाने का उपकरण मिला है। इंदौर एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का किया खुलासा, अलग अलग राज्यों से 130 किलो गांजा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रक से 7 क्विंटल से ज्यादा गांजा मिला है, 1 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी है। एमपी के टीकमगढ़ में मंदिर से दिनदहाड़े मूर्ति चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। आज कनाडा दौरे पर रहेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कनाडा की संसद को करेंगे संबोधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है, जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर बात की है। ब्राजील में मौसम विभाग ने जारी किया भीषण गर्मी का अलर्ट, रियो में गर्मी से बचने के लिए लोगों ने किया बीच का रुख। लीबिया के डरना में बाढ़ से मची तबाही, चारों तरफ दिखा बर्बादी का मंजर, ड्रोन तस्वीर सामने आई है। लीबिया के डरना में बाढ़ के बाद लोगों की बढ़ी परेशानियां, सफाई और पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए कर रहे संघर्ष। आर्मेनिया के येरेवन में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को किया बंद, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के आत्मसमर्पण में विरोध। येरेवन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में खाई में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 45 लोग घायल हो गए हैं। रूस से जारी युद्ध पर बोली यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की, कहा यूक्रेन की हार दुनिया की हार। चीन के एक और मंत्री गायब, रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता है, पिछले 3 हफ्तों से गायब चल रहे हैं रक्षा मंत्री चीन के। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर, नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर एशिया में सबसे ज्यादा। आज से भारत में नए आईफोन की सेल शुरू, स्टोर्स के बाहर लगी है लाइंस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर बिक्री जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज, वर्ल्ड कप के सबसे पहले मैच में मोहाली में भिड़ेंगी दोनों टीमें।